ओम शांति। पिछले 2 दिन में मुरली का सार रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि ड्रामानुसार कुछ ऐसी सिचुएशंस और काम आ गए थे, उनको डील कर रहे थे। एंड नाउ फाइनली वी हैव इनफ टाइम टू गेट द रिकॉर्डिंग डन। सो आज की जो बाबा की साकार मुरली है, उसमें बाबा कहते हैं कि बाबा के ऊपर कभी भी कोई कट नहीं चढ़ती, कोई भी जंक नहीं चढ़ता। जंक मना किसी भी प्रकार का बॉडी कॉन्शियसनेस, कोई भी विकारी संकल्प मात्र भी। यानी इस संसार में मानिए एक ऐसा व्यक्तित्व इमेजिन करते हैं जो हर किसी के लिए सदा निरंतर और सहज रीति से एक समान दृष्टि के साथ केवल और केवल शुभ भावना और शुभ कामना रखता है। कोई नेगेटिविटी कभी इमर्ज नहीं होती, संकल्प मात्र में भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के ऊपर कभी भी कोई कट नहीं चढ़ती, और जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके ऊपर संपूर्ण कट चढ़ा हुआ है, अर्थात संपूर्ण बॉडी कॉन्शियसनेस, पूरा पूरा देह अभिमान और अच्छे से संपूर्ण रीति। जैसे हम लोग भी संपूर्ण निर्विकारी से संपूर्ण विकारी बन गए, सेम स्टेट ब्रह्मा बाबा के साथ भी थी, संपूर्ण निर्विकारी से संपूर्ण विकारी की अवस्था। बाबा ने संगम युग के लिए जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि कभी भी ये जो आँखें हैं इनमें कभी भी कोई क्रिमिनल पना ना हो। हम इन आँखों से जो भी फिजिकल चीज़ें देखते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को देखते हैं, उनके शरीर को देखते हैं, तो वो तो बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा जैसा वो प्रैक्टिकली है। लेकिन बाबा जो ये क्रिमिनल शब्द या सिविल शब्द लगाते हैं, ये बेसिकली आत्मा की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आत्मा की जो अंडरस्टैंडिंग है, आत्मा जिस नज़रिए के साथ अपनी नज़र को यूज़ करती है, वो क्रिमिनल और सिविल के बेसिस पर डिसाइड होती है। बाबा ने याद के विषय में बड़ी रमणीक बात आज की मुरली में कही कि याद की फांसी पर चढ़े रहना, याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। अर्थात जैसे बाबा मुरली के बीच में भी रिलेट किए, हम इसको कॉन्ट्रास्ट के रूप में भी समझ सकते हैं कि जब हम सत्ययुग में थे तो आत्मा रूपी सोना की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। जैसे दुनियावी रीति से भी जो सोना होता है, गोल्ड होता है, अगर वो प्रेशियस है तो इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। जितना ज़्यादा आप कैरेट बढ़ाते जाओ, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, उतना ज़्यादा प्राइस में यानी उसके मूल्य में भी वेरिएशन आता चला जाता है। सिमिलरली आत्मा में जितनी प्योरिटी होगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची है क्योंकि तुम संपूर्ण रीति से विकारी बन गए। अब अगर वो कट हटानी है, वो जो एलॉय आत्मा में मिक्स हो गई है, अगर वो हटानी है तो उसके लिए बाप को याद करो। बाबा ने आज याद को फांसी से भी तुलना कर दिया। फांसी कब दी जाती है? फांसी मना आपको आपकी सजाओं से, आपकी सजाओं की जो पनिशमेंट है वो दे करके आपकी सजाओं को कम किया जाए या न्याय दिया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फिजिकल फांसी होती है ना। अर्थात पूरा का पूरा प्रेशर जो ये गले वाला एरिया है वहाँ पर लग करके शरीर छूट जाए, है ना। फांसी भी क्या है? फांसी भी एक बंधन है, परंतु वो फांसी जब याद के रूप में बाबा कह रहा है, माना याद की बंधन, मर्यादा, ज्ञान की मर्यादा, सदा अटेंशन, देह भान को खत्म करने वाली फांसी जिसमें देह अभिमान, ईगो ऑफ द बॉडी, इस फांसी में देह का अभिमान की मृत्यु होगी, आत्मा की नहीं। तो बाबा ने इसलिए याद को फांसी के रूप में बताया। अगर बाबा की एक और डायरेक्शन देखें तो बाबा कहता है कि हमें क्या करना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, क्योंकि जैसा ही आत्मा वैसा शरीर, और स्पेसिफिक वर्ड में जाएं तो कैरेक्टर सुधारना है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने फिर अगर गृहस्थ व्यवहार के लिए बोला जाए, जैसे बाबा ने कई बातें क्लियर की, कोई जैसे गृहस्थी में रहता है तो कई बार ये प्रश्न होते हैं ना कि जो ज्ञान में नॉर्मली कभी सेंटर पर कभी मधुबन में रह रहे हैं, तो उनके लिए ज्ञान में चलना कंपेरेटिवली इजी है, बट बाबा की तो श्रीमत ही क्या है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। गृहस्थ माना दो तरीके से, एक तो दोज कुमार्स और कुमारीज हु आर लिविंग इन द फैमिली,
या फिर वो जिन्होंने अपनी खुद की फैमिली क्रिएट की हुई है ड्रामा अनुसार, वाइफ चिल्ड्रन एवरीथिंग, उनके साथ रहते हुए ज्ञान को उठाना है। ये संगम युग की बाबा की सबसे बड़ी श्रीमत है ना। भल रहो, है ना, कर्जा भी तो उतारना होता है, बाबा ने कहा, है ना। जितने लॉ हो सकते हैं कर्मों की फिलॉसफी का, कि जो बाप का कर्जा तुम्हारे ऊपर है, माँ का कर्जा तुम्हारे ऊपर है, उन सभी चीज़ों को उतारना भी तो है। कुछ भी चीज़ कायदे के खिलाफ नहीं हो, केवल दृष्टि कभी भी क्रिमिनल ना हो। जैसे बाबा ने एक शब्द मुरली के बीच में यूज़ किया, तृष्णा, है ना। अगर आंखें, जैसे बाबा ने एक बार कहा था, जो सूरदास होते हैं, दोज हू आर ब्लाइंड, वो अच्छे से ज्ञान उठा सकते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट सी एनीथिंग फिजिकल। तो बाबा कहता है, अगर दो आंखें हैं तो बहुत अच्छा, डोंट डिस्ट्रॉय देम, बट ऑल्सो ओपन द थर्ड आई ऑफ नॉलेज। ड्रामा के लिए बाबा कहता है कि बाबा भी ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं, बाबा बिल्कुल साक्षी होकर के इस ड्रामा को देखते हैं कि क्या है। ड्रामा अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, कल्प पहले मुआफिक, है ना। बाबा ज्यादा चिंतन, बाबा कहता है ना, मुझे विचार सागर मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं, विचार सागर मंथन हम बच्चों को करना है, बाबा की श्रीमती हमारे लिए है। शरीर को भूलकर आत्मा को समझकर अपने देह अभिमान को संपूर्ण रीति से पीछे रखना, ये श्रीमत हमारे लिए है। बाबा इज बियॉन्ड ऑल दैट, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ ड्रामा। तो रावण ने जो हमारे कैरेक्टर्स ड्रामा अनुसार डिस्ट्रॉय कर दिए, जैसे बाबा ने भक्ति की कथाओं का बार बार जिक्र किया मुरली में, कि तुम हालांकि भक्ति में कथाएं तो बहुत सुनते आए परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं, है ना। कितनी कथाएं सुनी हमने, अमरनाथ की कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा सुनी, है ना। विभिन्न प्रकार की कथाओं की एक मेला है भक्ति मार्ग, स्टोरी टेलिंग है, वेयर वी आर नॉट कीपिंग एनी एम ऑब्जेक्टिव, है ना। जैसे नौधा भक्ति में क्या करते हैं, दर्शन के लिए गला काटने, प्राण भी त्यागने लगते हैं तब दर्शन होता है ना। काशी कलवट में क्या करते हैं, सीधे जाकर के तलवारों के, कह लीजिए, कुएं में ही डुबकी लगाते हैं। हालांकि अब गवर्नमेंट ने उस चीज़ के ऊपर बैन कर दिया, परंतु आत्मा पर लगी कट शरीर के किसी भी हट से कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये बाबा के ही महावाक्य है। बाबा ने आज के वरदान में कहा, योग युक्त युक्ति युक्त सेवादारी भव। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बाबा के साथ हमारा रिमेम्ब्रेंस और हमारी अंडरस्टैंडिंग, युक्ति और झूठ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बाबा की युक्ति को कभी भी झूठ के रूप में इस्तेमाल करना, दादी जानकी की एक बार मैं एक बात सुन रही थी, उसमें दादी जी कहते हैं कि उन्होंने बाबा से एक प्रश्न किया था कि बाबा युक्ति और झूठ में मैं कैसे अंतर करूं। तो बाबा ने कहा, जिस चीज़ के लिए दिल अलाउ करे, दिल से, सच्चे दिल से हाँ निकले, कोई कल छपट के साथ नहीं, वो युक्ति है। परंतु जिसके लिए मन राजी ना हो, लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, अंतर आत्मा की आवाज़, वो झूठ है। तो सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। याद रहे कि मेरी सेवा नहीं है, ये तो बाप ने दी है, सबसे बड़ी युक्ति। तो निर्बंधन रहेंगे, ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। बाबा कहते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करो ना, अति के समय ही तो अंत की स्टेज यानी कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अब अंत की स्टेज का अनुभव करो। और स्लोगन में बाबा ने आज कहा, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। हमें याद होगा कल की मुरली का जो हमें बाबा ने वरदान दिया था, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेबल था, है ना। बाबा की मुरली में एक्चुअली कल की जो स्लोगन थी उसमें भी यही चीज़ आई थी, स्लोगन में ही सेम बात आई थी कि कारण को अगर निवारण में परिवर्तन कर लें, क्योंकि बाबा ने हर एक बात का, हर कारण का निवारण मुरली में बिफोर हैंड दिया है, तो जितनी नेगेटिविटी है वो भी हमें पॉजिटिविटी में नज़र आएगी। और आज की मुरली का भी स्लोगन वही है कि शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। इफ़ वी हैव गुड इंटेंशंस, पॉजिटिव इंटेंशंस,
तो डेफिनेटली कोई भी रीज़न हो उसका सॉल्यूशन ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ओम शांति।